Vieja, además, ¿no? Y al base estar en el ojo, como quiera.
गवर्नमेंटच्याच नाकलो मै येतला नाही नाही देश कशाक अदे नाही की बाय नंबरदार सध्या त्याला अनुहार रघु खेळ रे एक तटाठीन दास बुट हर रमू बस ए गजेक लोकाचे फायनल बेमुची फायनल बाई अगर एवजार हुए टेबलर वो तो ठीक ना ले हालत मजबूरी हम गरीब अटना पर नहीं है शक्ति लटकाएगा ना भाई शक्ति लटकाएगा ना भाई अन से किरा था दुआ था दुआ थे अल्लाह पाक से अमन साथी हम चीज है हल गुलो थे दुआ थे तुम गटूर ये बैल साहब भाई बचे बिस्तर है तुम तोड़ फोड़ भी के टाइम वाली ने सुटाल तुम ने मतलब अदालत भी के रे आली ने तुम सबर साथी बिल्कुल चस्पस की जरूरत नहीं अकबाल मकान जो है ये गवर्नमेंट उन्होंने साफ आन तो साफ निश तो कुछ सेनेट भी होता सही वास्ते निश जब ये अकबाल मतलब मकान चस की असू के टाइम निश गवर्नमेंट जाना अरे जाना अना सरकारी साहब से दुआ था आराम से ये लोग तय कटे था ने अना से जो अलावा चंद मनुट भाई असे कमेटी एक कमेटी भाई हो सकता है कमेटी हाँ मैं इधर हूँ थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ सर बस इधर जरिए में हूँ अंदर ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ सर काफ़ी अरसा जमाती का कोई चीज़ ही तो यानी पॉलिसीज तो के नंबरदार सब कुछ का फोन आई है अंग्रेज़ की पॉलिसी थी कि मतलब इलाके के मखसूस लोगों के साथ मिल के मतलब इलाके के लोगों को दबाया जाता था ये अंग्रेज़ की पॉलिसी तो जगह तू ने नंबरदार साहब से जगह पर झगड़ा थी उसकी ज़मीन गवर्नमेंट कट दी गई झगड़ा नहीं थी उसकी ज़मीन अलग दी गई या सुट नहीं तो ये अंग्रेज़ की पॉलिसी थी यानी पॉलिसी बहुत ही पूरी गिरी यानी पॉलिसी के टाइम पाकिस्तान से नहीं दी तो फिर हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई यानी पॉलिसी जब अंग्रेज़ जो क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी अंग्रेज़ ने बनाया था तो अंग्रेज़ जो पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट से उठ गई और आज तक 65-67 साल हो गए इस पॉलिसी को जारी रखा हुआ है जिसका असर तहफ़ात भी हैं जिसमें हाँ नंबरदार साहब से गिर जगह पर झगड़ा थी उसको मोदी गवर्नमेंट एक दीजिए नहीं थी कि सोसुट वाया नहीं वन भाई झगड़ा नहीं थी सोसुट नहीं वन तो यानी पॉलिसी ही ना पॉलिसी ख़त्म करो फिर हम इस पॉलिसी पे काम करना है कि भाई ये ज़मीन गवर्नमेंट को भी ना जाए अलाकार मस्त गसूदा ज्यादती नहीं था हम पूरी ज़मीन पूरी उठो तो अनुहाल फतुया है अगर नहीं सो अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट है पॉलिसी फतुया तक टूरिस्ट एथन दूर लैंड माफिया को तो मिलाए थे सो रहे खराब मोर थी तो ज़मीन में सरकार अट डोंट सो चुप बैठे तो लैंड माफिया अट डोंट तो अन पॉलिसी कामयाब करो आप लोगों इस पॉलिसी पे काम करना है सो अन मिलता है कि भाई मत अगर ये है कि खराब मोर थी हमारा देखो किसी से जाती झगड़ा नहीं है इज्तमाही एक मामला के कार भेजा मैं यहाँ पे आया हूँ तो जाती और जाती मसला करने आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इज्तमाही मोर तोड़ और इज्तमाही मामला कर रहा हूँ तो कहने का मकसद अगर हम किसी के खिलाफ बात करें मत अगर गलत क्यों तो मैं खिलाफ मोर थी ज़मीन सरकार भी मैं खिलाफ मोर नहीं थी तो ज़मीन मट बनती सुन जित नहीं है तो इस चीज़ को ना गवर्नमेंट को ज़मीन जाएगी ना किसी लैंड माफिया को जाएगी ज़मीन हमारी है इलाके की है अगर अनुमोल से जैन रुवान यानी पॉलिसी समझा बिल न इस्टेब्लिशमेंट है कि लैंड माफिया से मिल के आप लोगों को ये ब्लैक देनी है और पिछले 15-20 साल से आपको ब्लैक मेल किया जा रहा है 15-20 साल से सो अनछेड़ थे तुरे गिलगित सिकोट अड्डे सो छेड़ नहीं थे तुरे लैंड माफिया अड्डे सो कौन छेड़ थी तुरे लैंड माफिया नहीं था गवर्नमेंट अड्डे या लैंड माफिया अड्डे कौन सो चुप बैठे आ लैंड माफिया अड्डे तो कौन चुप बैठे आ लैंड माफिया जमीन लगी नहीं जाए कौन सो झगड़ा थे जमीन गवर्नमेंट अड्डे नहीं जाए तो गवर्नमेंट और लैंड माफिया बिल्कुल अखन बिल्कुल अखन शो एक लाइन बैठे खड़ा था सो कैसा जाने था कि नू डी सी नू अलखन राशिद अलखन फला अलखन नुश अनपुर एखन सो बेलक मेल से 15-20 साल उसे जमीन खिगन और आइंदा का बेलक मेलिंग जिसके तहफात असर नंबरदार साहब से यार बेरोज के बस झगड़ा थी जमीन गवर्नमेंट एक दीजिए तो यार अगर बेलक मेल थे ना नीस तो बेलक मेलिंग को समझो कौन सा मसला